वहाँ मिल जाए भाई, नहीं तो आज फुटपाथ पे सोना पड़ेगा। Hey guys, welcome to Little Logs। तो आज है डे 65 और अभी हम हैं देहरादून के गुरुद्वारा साहिब में, जहाँ पे हम कल रात को रुके थे, आपको पता ही है। और अभी हम उठ चुके हैं और बस बाहर जा रहे हैं, बाबा जी उठाने आए थे, कहते लंगर वगैरह छक लो और फिर यहाँ पे आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सारे गद्दे वद्दे हैं ये रेंट पे हैं, ये उठाने वाले हैं। तो सही बात है, सही टाइम पे उठा भी दिया, क्योंकि अगर मैं कहीं और होता तो मैं सोता रह जाता, क्योंकि थकावट बहुत हो रखी है। सो लेट्स गो, अभी बाहर चलते हैं, लंगर खाते हैं, फिर आगे चलेंगे देहरादून घूमने के लिए। लेट्स स्टार्ट द व्लॉग, वेलकम टू 365 डेज ऑफ ड्रीमिंग। तो चलिए चलते हैं। लंगर तो हमने खा लिया यार, और अभी सुबह उठ के पता चल रहा है कि मैं रात को किसी छोटे बच्चों के कमरे में सोया था। मतलब यहाँ पे ये स्कूल भी है ना, प्री नर्सरी से लेके फिफ्थ तक, पता नहीं कौन सी क्लास की, ये चार्ट्स लगे हुए हैं, बट भाई बचपन की याद आ गई जब हम भी छोटे बच्चे थे। अभी हमने कुछ जगह ढूंढी है उत्तराखंड में, सॉरी देहरादून में घूमने के लिए। उत्तराखंड तो बहुत बड़ा है, तो उसमें तो घूमने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। देहरादून में मैंने 10 प्लेसेज ढूंढी थी और उसमें से चार बहुत दूर दूर है, छः हैं पास में, तो हम वही वाली छः घूमने वाले हैं सिर्फ देहरादून में। सो गाइस, अभी हम तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर चल के बाहर की तरफ तो आ चुके हैं, और यहाँ से लिफ्ट मांग के देखेंगे, थोड़ा हाईवे की तरफ आ जाता है रास्ता, तो हाईवे पे पहुँचते हैं और वहाँ से लिफ्ट मांगते हैं FRI के लिए, देखते हैं वहाँ पे जाके क्या है वहाँ पे। भैया ने हमें लिफ्ट दे दी है FRI तक, ये आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं वन अनुसंधान संस्थान, और अभी अंदर जाएंगे। यहाँ से भैया कह रहे थे कि 1 किलोमीटर आपको सीधा जाके वहाँ पे FRI की बिल्डिंग मिलेगी, सो लेट्स गो वहाँ चलते हैं। अभी हम FRI के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे फोटो गैलरी मिली है एक, एंड भाई यहाँ पे हर तरफ आपको दिख जाएंगे पेड़ ही पेड़, और सुंदर भाई यहाँ पे फूल वगैरह बहुत लगाए गए हैं, एंड रंग बिरंगे पेड़ हैं भाई, देख सकते हैं यहाँ पे, ये बीच बीच में आप पिंक पिंक सी शेड आ रही होगी आपको, ऊपर देख सकते हैं वहाँ पे, ये अंदर से बहुत ही सुंदर बना हुआ है, एंड यहाँ पे सारी की सारी फोटोज लगी हुई हैं FRI की पुरानी। ये है हॉकी टीम फॉरेस्ट कॉलेज की देहरादून की, और ये पिक्चर है 1913 की, और देख सकते हैं आप सारे के सारे फॉरनर्स हैं अंग्रेज, जिन्होंने 200 साल राज किया इंडिया पे। सो गाइस, अभी हम फोटो गैलरी से बाहर आ चुके हैं, एंड भैया करते हैं हमें क्लोज करना है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में भाई क्रॉस कर लिया सारा, पर है बहुत सुंदर, बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, आप अगर आएंगे तो भाई देख सकते हैं, बहुत पुरानी पुरानी पिक्चर्स हैं, और जो जो इन्वेंशंस यहाँ पे हुए हैं, जो जो रिसर्चेज यहाँ पे हुई हैं FRI देहरादून में, उनकी सबकी पिक्चर्स, उनके सबके नीचे उनकी हिस्ट्री सब लिखा हुआ है। बहुत टाइम लगेगा, अगर आप हिस्ट्री लवर हो तो भाई यहाँ पे आके आप पढ़ते ही रह जाओगे और सुबह से शाम हो जाएगी। सो लेट्स गो, अभी चलते हैं मेन बिल्डिंग की तरफ। यहाँ पे मेन बिल्डिंग में भैया कहते हैं कि और भी कुछ है और बहुत कुछ है देखने वाला, तो आप वहाँ पे जाओ, वो बंद भी नहीं होती। दिस इज द मेन बिल्डिंग ऑफ FRI, अभी आगे से इसका रास्ता है, आगे से चलते हैं और दिखाते हैं। गाइस, हम अभी यहाँ पे पहुँच चुके थे तकरीबन 1 बजे, और अभी 2 बज रहे हैं, भैया ने बोला था कि 2 बजे आ जाना, अभी बंद हो रहा है, लंच ब्रेक हो रही है, तो 2 बज चुके हैं, अभी अंदर चलते हैं, टिकट लेते हैं एंड घुमाते हैं आपको अंदर की तरफ। अभी हमने टिकट ले ली है, 60 रुपये की टिकट है यहाँ पे पर पर्सन। और आपको यार एक चीज़ और बताना चाहता था, यहाँ पे ना मैंने एक छोटी सी व्लॉगर देखी भाई, तकरीबन होगी वो 10-11 साल की, और भाई फ़ोन उठा के भाई पूरा बोल रही है एज अ प्रॉपर, मतलब जैसे प्रोफेशनल व्लॉगर्स बोलते हैं ना, जैसे मैं बोलता हूँ, चलो प्रोफेशनल तो नहीं, जैसे मैं बोलता हूँ अभी स्टार्टिंग वाला, पर बोलती बहुत अच्छा था भाई, 10-11 साल की लड़की है वो, और मिली नहीं वो, जल्दी जल्दी में फैमिली के साथ चली गई, गाड़ी में बैठ गई, इन्हें उससे मिलता, आपसे बात करवाता एक बार उसको, अगर दोबारा दिखेगी, वैसे तो वो चली गई है, अगर दोबारा दिखी मुझे कहीं पे तो उसको बुला के आपसे मिलवाता हूँ। इस तरफ से एंट्री है, यहाँ पे कैंटीन बनी हुई है एक, और कैंटीन के बिल्कुल बगल से एंट्री जाती है अंदर। अभी हम अंदर चलते हैं, और सिर्फ भैया ने बोला कि सिर्फ म्यूज़ियम के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, वहाँ हम ट्राई करेंगे, फ़ोटोज़ खींच लेंगे, वो आपको दिखा देंगे। ये है मेन बिल्डिंग FRI की, एंड बहुत ही सुंदर बनाई हुई है, डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है, ये अंग्रेज़ों के समय की बनी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं FRI की फुल फॉर्म, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पे देखते हैं कहाँ से है एंट्री हमारी। ये देखो भाई कितनी लंबी बिल्डिंग बनी हुई है, मतलब ऐसे देखो आप कितनी लंबी है कि मतलब जितना दूर तक देखो भाई आपको वही दिखते रहेंगे एंट्रीज। अभी हमें पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है यहाँ पे। फाइनली हमें यहाँ पे एक म्यूज़ियम मिल चुका है, सिल्वी कल्चर म्यूज़ियम। अंदर फोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है, तो हम आपको बाहर से एक बार दिखा देते हैं, एंड अंदर जाके वापस आके बताएंगे कि अंदर क्या क्या है। ये है हमारी टिकट, और अभी हमारा जो है सिल्व कल्चर म्यूज़ियम हो चुका है, और यहाँ पे 5 म्यूज़ियम्स हैं टोटल,
अभी चलते हैं दूसरे म्यूजियम की तरफ और वो दिखाते हैं आपको। मैं दूसरा म्यूजियम ढूंढ रहा था और जहाँ से मैंने एंट्री करी थी मैं बिल्कुल उसकी ऑपोजिट साइड आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यार कितना बड़ा पार्क बना हुआ है, ये बहुत दूर दूर तक देख सकते हैं आप, ग्रीनरी ही ग्रीनरी मिलेगी आपको, क्योंकि वैसे भी ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है तो यहाँ पे तो ग्रीनरी और भी ज़्यादा ही है। एंड लोग यहाँ पे वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, फोटोज खींच रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। सो गाइस जहाँ पे हम पहले गए थे वो नंबर 2 म्यूजियम था, ये है नंबर 1 और अभी इसके अंदर चलते हैं और ये दिखाते हैं आपको। अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, पहले बता देता हूँ आपको। गाइस अभी म्यूजियम नंबर 1 भी देख लिया हमने, 2 तो पहले देख लिया फिर 1 देखा। एंड भाई जिसको जंगल के बारे में या वुड्स के बारे में नॉलेज चाहिए ना वो यहाँ पे आ जाओ, बहुत अच्छी नॉलेज है। एंड हर लकड़ी का यहाँ पे सैंपल, हर सीड्स का सैंपल, हर चीज़ का यहाँ पे सैंपल रखा हुआ है और लोगों को दिखाने के लिए कि फॉरेस्ट में क्या क्या होता है, फॉरेस्ट कैसे काम करता है, फॉरेस्ट में क्या क्या कंडीशंस होती हैं, वो सब यहाँ पे है। एंड अभी हम चलते हैं नंबर 3 म्यूज़ियम में और वहाँ जाके दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या क्या है। सो गाइस हमें हमारा तीसरा म्यूज़ियम मिल चुका है, टिम्बर म्यूज़ियम। अभी अंदर चलते हैं और थोड़ी बहुत क्लिप्स दिखाते हैं आपको अंदर से। भाई नंबर 3 जो हमारा म्यूज़ियम था वो भी कंप्लीट हो चुका है। एंड ये वाला सबसे इंटरेस्टिंग लगा मुझे क्योंकि इसमें वो चीज़ें दिखाई गई थी जो कि वुड से बनाई जाती हैं, सिर्फ वुड्स नहीं पड़ी थी, जो चीज़ें बनाई जाती थी या चीज़ें अब बनाई जाती हैं वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर पड़ी हैं और बहुत ही सुंदर था भाई देखने में। एंड मुझे लगा था कि भाई थोड़ा टाइम लगेगा, इसके बाद यहाँ पे एक मंदिर है थोड़ा आगे जाके, तपकेश्वर मंदिर, महादेव जी का मंदिर है वो, तो मुझे लगा था कि मैं वहाँ पे भी चला जाऊँगा, तो अभी यहाँ पे टाइम बहुत लग रहा है, होप कि मैं चला जाऊँ। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने 4th म्यूज़ियम में, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स म्यूज़ियम। अभी अंदर चलते हैं और ये भी आपको दिखाते हैं। सो गाइस अभी हमारा 4th म्यूज़ियम भी कंप्लीट हो चुका है, अभी हम जा रहे हैं 5th म्यूज़ियम की तरफ और 5th म्यूज़ियम बिल्कुल 4th म्यूज़ियम के साथ में है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये है फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी म्यूज़ियम। एंड अभी इसके अंदर चलते हैं और ये भी दिखाते हैं आपको अंदर से। सो गाइस हमारा 5th म्यूज़ियम भी हो चुका है एंड ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग था यार। एंड मैंने मैम से पूछा कि अभी जो अंदर सारे इंसेक्ट्स हैं वो रियल हैं क्या, तो मैम कहते हैं हाँ सारे रियल ही हैं। भाई मेरे को बड़ा अजीब सा लगा एक बार, पर मैम कहते हैं नहीं कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे स्कॉलर्स हैं जो भी हैं वो जाते रहते हैं फील्ड में, तो उन्हें अगर कोई नई स्पीशीज़ मिलती है तो वो ले आते हैं वहाँ से एंड उनकी कलेक्शन है। एंड मैंने मैम से पूछा कितने स्पीशीज़ की कलेक्शन है, तो मैम ने बताया कि यहाँ पे तकरीबन 3 लाख इंसेक्ट्स की कलेक्शन है, 3 लाख प्लस इंसेक्ट्स की, तो भाई थोड़ा अचीवमेंट ही है। एंड काफ़ी अलग अलग तरह के हमने इंसेक्ट्स देखे भाई, मतलब वो कभी मैंने देखे भी नहीं ज़िंदगी में, नाम भी नहीं सुना उनका, वो सब यहाँ पे हैं। एंड अगर आपको इंसेक्ट्स में, जूलॉजी में भी थोड़ा बहुत है अगर इंटरेस्ट, तो यहाँ पे आके देखो भाई, बहुत ही अच्छा लगेगा। इस FRI का जो हमारा टूर था वो ख़त्म हो चुका है एंड यहाँ पे 6 म्यूज़ियम्स हैं टोटल, हमने 5 दिखाए आपको, एक में सिर्फ मशीन्स हैं तो दिखाने लायक नहीं था, ऐसे वीडियो लंबी हो रही थी। तो अभी हम जा रहे हैं सीधा यहाँ पे, तपकेश्वर महादेव का मंदिर है एक। ठीक है भैया, ठीक है, गुड लक। ओके भैया। सो गाइस अभी हम तपकेश्वर महादेव जी के मंदिर के बिल्कुल बाहर पहुंच चुके हैं, भैया ने छोड़ दिया, पहले दीदी ने लिफ्ट दी, उन्होंने हमें FRI के बाहर छोड़ा था, फिर साथ में भैया मिल गए, उन्होंने हमें तपकेश्वर महादेव के मंदिर के पास में छोड़ दिया। यहाँ पे है रास्ता नीचे की तरफ जाना है एंड यहाँ से हम चलते हैं पैदल ही, पास में ही है तकरीबन शायद
400-500 मीटर बचा होगा, तो लेट्स गो। फाइनली हम टपकेश्वर महादेव जी के मंदिर में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बैग जमा करवा दिया हमने। और जमा तो क्या ही करवाया, मतलब जो प्रसाद देते हैं वो रख लेते हैं बैग वगैरह, तो बैग वहाँ पे रख दिए, प्रसाद भी चढ़ाना था तो प्रसाद भी ले लिया। तो भाई सीढ़ियाँ उतरते उतरते रस्ते में आता है वाल्मीकि जी का मंदिर एक, और साथ में लव कुश की तस्वीर लगी हुई है। यहाँ पे पूरा इतिहास लिखा हुआ है टपकेश्वर महादेव के मंदिर का, और अंदर चलते हैं अभी गुफा दिखाते हैं आपको। सो गाइज ये है मेन गेट टपकेश्वर मंदिर का, अभी हम अंदर चलते हैं और अगर अंदर से हम दिखा सके तो भाई दिखा देंगे, नहीं तो सिर्फ आपको बता देंगे कि अंदर कैसा और कैसा कैसा बना हुआ है। यहाँ पे बाहर आप देख सकते हैं, यहाँ पे शिव जी की एक बहुत ही सुंदर गोल्डन कलर की मूर्ति बनाई हुई है। मुख्य मंदिर के अंदर पहुँचने से पहले यहाँ पे एक भैरवनाथ जी का मंदिर है एंड वो एक छोटी सी गुफा के अंदर बना हुआ है। तो गाइस अभी मैं टपकेश्वर महादेव के मंदिर से बाहर आया हूँ और अंदर बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी है, ये बताना चाहूँगा आपको। एंड महादेव जी का एक शिवलिंग है वहाँ पे, और इसका जो इतिहास है वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। तो गाइस ऐसा माना जाता है कि जो देवता थे वो यहाँ पे शिव जी की आराधना किया करते थे, शिव जी की तपस्या किया करते थे, और शिव जी ने उन्हें यहाँ पे बहुत बार अपने दर्शन भी दिए हैं। और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का जन्म भी यहीं पे हुआ, और अश्वत्थामा ने यहाँ पे 6 महीने तक तपस्या करी शिव जी की, एक टांग पे खड़े होकर भूखे रहकर। 6 माह बाद पूर्णिमा के दिन उनकी जो तपस्या है वो पूर्ण हुई, और जो शिवलिंग था वह उसमें से दूध की धारा बहने लगी, तो उन्होंने वो दूध ग्रहण किया शिव जी के चरणों से एंड अपनी जो भूख प्यास थी वो मिटाई। कलयुग में आप सोच रहे होंगे कि वहाँ पे दूध क्यों नहीं बहता, जैसे ही कलयुग आया तो दूध का दुरुपयोग होने लग गया, दूध में मिलावट होने लगी, पानी आने लगा, तो शिव जी का जो ये मंदिर है यहाँ लगातार पानी की ही धारा बहती रहती है, पानी टपकता रहता है, इसीलिए इसे टपकेश्वर महादेव जी का मंदिर भी बोलते हैं। तो ये है यहाँ की हिस्ट्री, एंड अगर कुछ मिस हुआ हो तो भाई कमेंट में पूछ लो, सब बता देंगे आपको कमेंट्स में। सो अभी हम चलते हैं हनुमान जी के मंदिर की तरफ, वो सामने है वहाँ पे, और नीचे आपको नदी भी दिखाएंगे पास में से। तो गाइस देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि जो पहले ब्रिज था वो यहाँ पे था और यहाँ पे, एंड पानी का बहाव बड़ा था 2-3 महीने पहले, उत्तराखंड में भी बड़ा था, हिमाचल में भी बड़ा था। और हिमाचल के बारे में तो लोगों ने आपको सबको बता दिया होगा, पर उत्तराखंड में बहुत सारा भाई यहाँ पे नुकसान हुआ था, उनमें से एक ये है, ये वाला ब्रिज टूटा था और यहाँ पे अब रास्ता दूसरी तरफ से कर दिया गया है, यहाँ से घूम के जाना पड़ता है। सो गाइस पहले आता है माँ भद्रकाली का यहाँ पे मंदिर, एंड अभी हम आगे चलते हैं। और यहाँ पे एक मूर्ति बनी हुई है भगवान कृष्ण की, जब उन्होंने एक पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को अपनी सिर्फ एक छोटी उंगली पे उठा दिया था और अपने पूरे गाँव को बचाया था एक तेज़ बारिश से। एक श्री गणेश जी की मूर्ति, विष्णु भगवान की मूर्ति, बजरंगबली जी की मूर्ति, और वहाँ पे है राम दरबार, राम लक्ष्मण और सीता जी की मूर्तियाँ। और यहाँ पे एक गुफा बनी हुई है, अभी अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर से गुफा कैसी है। यहाँ से शुरू होती है भाई, और यहाँ देखो पूरा मतलब छोटी सी गुफा है, वैष्णो देवी जी की जो गुफा है उसकी ये छोटी सी एक तरीके की आप कह सकते हैं गुफा बनाई गई है। तो गाइस अभी हम गुफा में से बाहर आ चुके हैं, एंड जो अंदर पंडित जी थे वो कहते हैं आप कहाँ से हो, मैंने कहा पंजाब से, कहते हैं अच्छा अच्छा वो आपकी वीडियो थी जो हमने देखी थी, मैंने कहा हाँ जी वो मेरी वीडियो थी, वो न्यूज़ चैनल पे आई थी जो वीडियो हिमाचल वालों ने डाली थी, और हिमाचल न्यूज़ चैनल पे आई थी तो इन्होंने वो देखी हुई थी, तो कहते अच्छा हमने देखी हुई आपकी वीडियो। तो बहुत ही अच्छा लगा भाई ये सुन के कि किसी से देखी हुई है वीडियो मेरी भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं महाबली हनुमान जी की एक बहुत सुंदर मूर्ति बनी हुई है, बहुत अलग अलग हिस्सों में बना हुआ है टपकेश्वर महादेव जी का मंदिर। मेन मंदिर तो वही है जो टपकेश्वर महादेव का मंदिर जाना जाता है, एंड वहाँ से घूम के आप आएंगे तो भद्रकाली जी का मंदिर वहाँ पे है, और यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ हैं भगवान की, एंड वैष्णो देवी जी की गुफा यहाँ पे है, बजरंगबली जी का जो मूर्ति है बजरंगबली जी की वो यहाँ पे है, एंड यहाँ पे एक और मंदिर है। तो अभी हम इस मंदिर में चलते हैं और माथा टेकते हैं, ये आखिरी मंदिर है यहाँ का। सो गाइस अभी हम बिल्कुल नदी के किनारे आके बैठ गए हैं, एंड बहुत ही शांति से चलती है भाई ये नदी, मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं है। हाँ ऐसा कहा जाता है कि जब यहाँ पे बाढ़ आई थी तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था और काफ़ी ऊपर पानी चला गया था। पूरा मंदिर हमने घूम लिया एंड काफ़ी अच्छा मंदिर है, काफ़ी मज़ा आया घूम के, काफ़ी पॉजिटिविटी आई मन में। और अभी हम चलते हैं सामान उठाते हैं ऊपर से, काफ़ी पैदल चलकर हम पहुँच चुके हैं मार्केट के पास, अब यहाँ से लिफ्ट लेने की ट्राई करते हैं और देखते हैं भाई कोई जगह ढूंढते हैं गुरुद्वारा या डॉर्मेट्री, एंड अभी मार्केट से देखते हैं लिफ्ट लेके, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आवाजाही ज़्यादा तो हो सकता है लिफ्ट थोड़ी जल्दी मिल जाए।
सो गाइस सिद्धार्थ भैया ने हमें लिफ्ट दे दी है घंटाघर के पास। घंटाघर है सामने, आप देख सकते हैं वहाँ पे। एंड अभी यहाँ पे मैंने गुरुद्वारा देखा है, ये किसी गली में जाके है, अभी गली ढूंढते हैं और चलते हैं गुरुद्वारे की तरफ और वहाँ जाके जगह ढूंढते हैं रात रहने के लिए। गाइस गुरुद्वारा साहब में पहुँचे और क्लोज हो गई, गुरुद्वारा साहब बंद है। एंड मुझे दो ही एंट्री गेट दिखे हैं, कि ये वाला और एक दूसरी तरफ है बिल्कुल इस तरफ गली की इस तरफ। एंड उस तरफ जाने की मेरी हिम्मत नहीं है भाई, वहाँ पे कुत्ते बैठे हैं डेरा डाल के। जैसे ही मैं उस तरफ गया सबके सब उठ के खड़े हो गए, पहले सो रहे थे, अभी हम चलेंगे भाई किसी और जगह की तरफ। सो गाइस अभी दोबारा से मेन मार्केट तक पहुँच चुके हैं एंड अभी यहाँ पे चलते हैं, एक झंडा साहब गुरुद्वारा है वहाँ चलते हैं एंड वहाँ जाके देखते हैं अगर जगह मिलती है तो। क्या हो गया भैया सब्सक्राइबर? क्या हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो कैसे फोटो लेनी है? हाँ तो ले लो, आ जाओ लाइट में आओ। सो गाइस तकरीबन 3-4 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँच चुके हैं झंडा साहब गुरुद्वारा। भाई अब तो पैर और शरीर पूरा बस जवाब दे गया है कि और नहीं चल सकता, तो अभी अंदर चलते हैं और ढूंढते हैं यहाँ पे जो भी हैं मेन, और उनसे बात करते हैं कि भाई आज रात का रहने का हो सकता है तो। होप्स आर ब्रोकन, झंडा साहब कोई गुरुद्वारा नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, ये किसी बाबा जी का डेरा है, मुझे नहीं पता किन का, बट यहाँ पे तो भाई अलग ही सिस्टम चल रहा है। सो गाइस वो कहते हैं ना कि अगर ज़िंदगी हो चुट्टू तो क्या करेगा बॉर्नवेटा का दुदू, तो वही सीन आज हो रहा है मेरे साथ। अभी 9:15 हुए हैं और मैं गुरुद्वारा साहब के बाहर बैठा हूँ एंड गुरुद्वारे का गेट जो है वो बंद हो चुका है एंड भैया कहते हैं कि 9 बजे के बाद एंट्री नहीं है और सराह नहीं मिल सकती। सराह है यहाँ पे पर 9 बजे के बाद नो एंट्री, 15 मिनट लेट हूँ बस। अभी भैया ने बोला कि यहाँ पे धर्मशाला है वहाँ चले जाओ भैया, ट्रेजिडी पे ट्रेजिडी होती ही जा रही है। एक जगह जा रहा हूँ वहाँ दूसरी जगह जाना पड़ रहा है भाई, रात की स्टे ही नहीं हो रही और 9:30 होने वाले हैं। अभी यहाँ से भैया ने बोला है कि थोड़ा आगे जाओगे 1.25 किलोमीटर तो एक धर्मशाला है वहाँ पता कर लो, वहाँ मिल जाए भाई, नहीं तो आज फुटपाथ पे सोना पड़ेगा। चलते चलते भाई हम पहुँच चुके हैं देहरादून के रेलवे स्टेशन। बहुत चल लिया आज भाई, आज तो मतलब रिकॉर्ड टूट गए चलने के, एक और फेल। यहाँ भी नहीं मिली जगह, ये भी कह रहे हैं कि फुल है, अभी और ढूंढते हैं कोई। सो गाइस अभी ये भगवान गेस्ट हाउस था यहाँ पे मेरे को किसी ने बोला, और ये भी थोड़ा महंगा, ये होटल के हिसाब से मतलब इनका रूम का प्राइस है। और सामने वहाँ पे लड़ाई हो रही है, वहाँ पे थोड़ा एक्सीडेंट हुआ अभी। अभी हम इस तरफ चलते हैं शैली गेस्ट हाउस, किसी ने बताया भैया ने यहाँ पे मिले थे एंड लोकली थे, तो कहते हैं आपको यहाँ पे शैली गेस्ट हाउस में सस्ता रूम मिल जाएगा तकरीबन 100-200-300 तक। सो लेट्स गो, वहाँ जाके देखते हैं क्या सीन है। लास्ट अटैम्प्ट शैली गेस्ट हाउस, देखते हैं क्या होता है। सो गाइस फाइनली रात के 10 बजे शैली गेस्ट हाउस में हमारा डन हुआ है एंड उनके पास 3 तरह के रूम थे, 200 रुपये का, 300 रुपये का, 400 रुपये का। आपको पता ही है कि मैंने कौन सा लिया होगा, 200 रुपये वाला, क्योंकि रात ही निकालनी है। अभी जा रहे हैं हम खाना खाने के लिए, फिर वापस आते हैं एंड इस ब्लॉग को एंड करते हैं। सो गाइस ये ब्लॉग यहीं तक था, आज तो 62 बज गए भाई चल चल के। एंड आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो जल्दी जाके लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।